जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को यूज कर सकते हो जब आपको कोई कॉल भी कर देता है। क्योंकि आप अपने फ़ोन में देखते होंगे कि आप इंटरनेट को यूज करते रहते हो, लाइक पबजी खेलते रहते हो या तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते रहते हो, और उस टाइम पर अगर आपको कोई कॉल कर देता है तो आपका इंटरनेट ऑफ हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत सारा वीडियो आप देख लिए हो मुझे पता है, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिला है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कल जब मैं सामने कोई काम कर रहा था इम्पोर्टेंट सा, उस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारा आर्टिकल मैंने पढ़ा, बहुत सारा यूट्यूब वीडियो मैंने भी देखा, लेकिन कहीं भी सोल्यूशन मुझे नहीं मिला। तब मुझे लगा कि इसके ऊपर क्या ऐसा सोल्यूशन है, तो उसको मैंने अप्लाई किया तो सही में वर्क किया। तो वही चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस आपको अंत तक वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे बेहतर जानकारी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जो बहुत ही सही होता है। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल के डाटा को यूज करते रहते हो, उस टाइम पर अगर आपको कोई कॉल करता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके कौन से कंपनी का सिम कार्ड आपके फ़ोन में लगा है, लाइक वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, कौन सा लगा है। अगर आपके पास जियो का लगा है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जियो जो सिम है वो 4G वोल्ट इनेबल्ड रहता है हमेशा, उसमें वो 2G 3G उसमें है ही नहीं, तो वो 4G है तो उस पर आपका डाटा ऑन रहता है, तो कोई टेंशन नहीं। आपको फ़ोन आए या तो आप फ़ोन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका डाटा चालू रहेगा, इंटरनेट चालू रहेगा। लेकिन अगर आपके पास वोडाफोन या तो आइडिया या तो एयरटेल है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका जो सिम है वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, वो 2G 3G 4G सब सपोर्ट करता है। तो इसकी वजह से आपको जब कॉल आता है तो उस टाइम पे 2G पे आ जाता है और वो नेटवर्क वहाँ पे बंद हो जाता है 4G, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आता है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन एक सेटिंग्स अगर आपको अपने फ़ोन में देखना है, अगर मिल जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको जाना है सिम वाले ऑप्शन पर, और वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज मोबाइल डाटा व्हेन कॉलिंग या तो ड्यूरिंग ए कॉल, वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको अगर आप ऑन कर दो तो आपका ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपको देखना है कि आपके फ़ोन में जियो लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स के पास जियो का सिम है तो उससे पूछ सकते हो। लेकिन आपके पास वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है, अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है तो उसको ऑन कर दीजिए, फिर तो प्रॉब्लम ख़त्म है। लेकिन आपके फ़ोन में वो सेटिंग्स नहीं है, वो फीचर नहीं है, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको एक टिप्स और दे देता हूं, अगर आपके पास वोडाफोन, आइडिया या तो एयरटेल है तो आपने कस्टमर केयर में कॉल करिए और उनसे भी बात करके पूछ सकते हो कि इसका क्या सेटिंग्स है, इसका कोई तोड़ है कि नहीं, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप बहुत सारा वीडियो देखे हो, कोई उसमें सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, बोल्ट इनेबल करने से, ये करने से, वो करने से, कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं है वहाँ पे जिससे आप इसको सही कर सकते हो। बस एक ही फीचर है, अगर आपको वहाँ पे मिल जाता अपने फ़ोन में कि यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल, उसको ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको चेक करना है, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।